अजीत कल संदीप को तो कर दिया नॉमिनेट, विकेट हो गया वो तो। हाँ वो अच्छा काम हुआ यार, बहुत बक्सो दी गई इसने। हाँ ये बात सही है, सही बात क्यों है, टिल्लू एकदम से सही। देवेश आप एग्री इस चीज़ से? एकदम एकदम से सही। देवेश आप एग्री इस चीज़ से? एकदम। लेकिन आज कुछ नया होगा यार। हाँ अब हम कल लास्ट, आज हमारा लास्ट दिन मान लो यहाँ पे। आपका क्यों यार, किसी का भी हो सकता है, लाइफ का मेरा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री आज तक जीती नहीं है कभी भी, नहीं जीतेगा। जब हम क्यों टेंशन में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कोई भी जी सकता टेंशन में। आपको आज कुछ मुझे लग रहा है कि आज कुछ स्पेशल ही होगा। स्पेशल होगा आज वो, क्योंकि हम चार ही बचे हैं। मेरे को बता देंगे बिग बॉस क्या करवाना आपसे आज, वो होगा उसमें क्या है। तो देखते हैं आज किसका लास्ट दिन रहने वाला है। आज टीम को डिवाइड कर सकते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। तभी मजा आएगा गेम में। टीम में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं यार ये बिग बॉस वाले में। मैं तो देवेश की टीम में रहूंगा भाई, देवेश की टीम में। और मैं अजीत के साथ रहना पसंद करूंगा। अजीत के साथ ही रहूंगा मैं। दोनों ने साथ साथ इंटरव्यू ली थी। हम दोनों इधर बैठे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अलग। नहीं नहीं अलग नहीं भाई, आप हम तो कल आए हैं, परसों आए। देखो आप पहले से ही हो तो आप एक दूसरे को अच्छे से जान गए हो। अगर संदीप आज ये बात से शो देख रहा होगा तो उसने उसको उसको खुद को पता होगा कि बीमार हो गया कि यार मैं इतनी यहाँ पे आ गई, इतनी बकचोदी की, इतनी बकचोदी होस्ट के साथ देखा, कितनी बकचोदी। मैं तो ऐसे मालवाड़ी में बोल रहा है, मैं तो करूँगा। वो अब जाकर घर पर पछताएगा कि मैंने, वो हाथगाड़ी चलाएगा। उसके औकात नहीं, वो हाथगाड़ी की थी। और देवेश तू खाना कम कर यार, तू आया था तुझे भाई साहब परसों तक 30 किलो का था, आज ये 70 किलो का हो गया। किलो का होगा भाई, इतना खाना खाता है ना ये बंदा बस। अरे भाई भाई यार बस बस इतनी मेरी वो मत करो, बड़ाई मत करो। बड़ाई नहीं भाई, तेरी बेइज्जती हो रही है लाइव में, तेरी लाइव में सब देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि तेरे मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज कर, तू हाथ गड्डी चला। उसी से कम होगा तेरा वेट, ये तो बात लिख के ले भाई, कंफर्म है भाई। वरना तो तू आज की रेखा दिखा तेरी। बहुत अच्छा काम, मतलब बराबर ले रहा मशीन को काम में। नहीं ले रहा है तो ये हाथ की रेखाएं कैसे मिटी फिर आपकी? अरे ये तो थूक लगाने से मिटी। थूक भी अपने काम मिलते हैं। तो पहले संदीप का लेता था, अब खुद का ले रहा है यार भाई। वो संदीप एक बात, संदीप ने नहीं बताया था कि तेरे को अपना अपना वाला आइडिया था दिया लगता है उसने। बाथरूम में गया था तो मच्छर मार रहा था ऐसे। वो ऐसा मच्छर वो संदीप मार रहा था तेरे। सही कह रहा है, मच्छर तो तेरे संदीप मार रहा था उस टाइम में। मैंने भैया कान लगा के देखा, टपा 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 यार अंदर कौन से बदन चल रहे हैं। मच्छर मार रहा था है तो, मच्छर तो वो संदीप मार रहा था। ए टिल्लू सोने नहीं है, सोने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। मैं एक बात बताऊंगा, मैं एक बात बताऊं, इस घर में सबसे अच्छा ड्राइवर कौन सा है? कौन है बताओ? ये बातें कम करो, साइकिल नहीं तेरे को गाड़ी चलानी आती है। अरे भाई तुझे नींद क्यों आ रही है यार? मैं सोने वाला हूँ। अरे मेरी गाड़ी लोड हो गई है, वैसे गाड़ी लोड हो गई है, गाड़ी लोड हो गई है। खाली गई क्या? अरे कितनी बड़ी गाड़ी है तेरी? अरे भाई तू मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है? और हम दोनों तो साथ में वैसे। साथ में तो इनकी थोड़ी देख दो। एक के गर्लफ्रेंड अलग है, जिसको पता नहीं गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। नाम नहीं पता है। नाम ही नहीं पता भाई यार। अब आपकी बकचोदी कंप्लीट हो चुकी हो तो आप लिविंग एरिया में आ जाओ। ओके बिग बॉस, ओके बिग बॉस, चलो खड़े हो। आज आपको दो टीमों में डिवाइड किया जाएगा, जिसका काम हेड ऑफ हाउस करेंगे। ओके।
जी बिग बॉस, तो मैं ए और बी टीम को अनाउंस करना चाहता हूँ। ए टीम में मैं और अजीत होंगे और बी टीम में टिल्लू और देवेश होंगे। थैंक यू, थैंक यू। अब आपको कुछ कार्ड दिए जाएंगे और उन कार्डों को देखकर बताना है कि इस पर किसका नाम लिखा है, और आपको प्रत्येक क्रिएक्टर की एक्टिंग करने के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे, और जो जितने ज़्यादा नंबर लाएगा वो टीम जीत जाएगी। ओके ओके मैं हेड ऑफ हाउस होने के नाते मैं टीम बी को पहले इन्वाइट करना चाहूँगा जो अपना गेम खेले। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, इस गेंद को जरा स्टैंड में पहुंचाइए कुछ इस प्रकार से। एमएस धोनी, टीम बी को ऑडियंस, यहाँ पे तीन क्वेश्चन को सही किया है। इसमें एक तो संजू का करेक्टर था, एक मिथुन का, और एक एमएसडी का, महेंद्र सिंह धोनी, लेजेंड ऑफ क्रिकेट। ओके, तो टीम बी को 6 पॉइंट्स मिले हैं। टीम बी को मिले हैं 6 पॉइंट। अब देखते हैं टीम ए क्या कमाल करती है। ओके, ऋतिक रोशन, दो पॉइंट। मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो। अजय देवगन, धोनी भैया, लंदन लिख दूंगा। लंदन नहीं, लंदन का तो कोई वर्ड ही नहीं था इसमें। लंदन क्या बता रहा है तू? श्रीलंकन है वो तेरी माँ। तुझे तो ये भी नहीं पता वो है कहाँ से, कौन सी कंट्री का पता तेरे को? कौन सी क्या? लंदन। नहीं, अभी तो तू लंदन बता रहा था भाई। लंदन, लंदन, लंदन। अरे भाई, 6 पॉइंट यार। आपके खाने का टाइम हो चुका है, तो खाना टेबल से ले लो। ओके बिग बॉस,
लेके आ रही। एक मंगा दो लिया अरे खाओ बिग बॉस का है फिर ही खा। घर का थोड़ी लग रहा है, बिग बॉस का लग रहा है। आज आज खा ले वैसे भी, कल तो घर का खाना है। बिल्कुल सबको घर का खाना है। वेलकम अगेन बिग बॉस, आप जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हो आज मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूँ, तो सभी लिविंग एरिया में आ जाओ। अब आप यहाँ पर जिस चीज के लिए आए हैं, किस चीज के लिए आए हैं आप? तो आज आप ट्रॉफी देखने वाले हैं। ट्रॉफी देखने वाले हैं आज। पच्चीस लाख और ये ट्रॉफी मेरी। अबे सालो मेरी होगी, मेरी तू रहने दे, कोई तू ने खाना है अबे ट्रॉफी जीतने के लिए। ऑडियंस पे ऑडियंस करेगी उसका फैसला, उसका फैसला ऑडियंस करेगी। ऐसे चला जाएगा ठीक है, ऐसे घंटाल। हाँ ऐसे समझ रहा क्या तू, ऐसे ही मिल जाएगी तुझे बिना कुछ किए ही। वाह तो कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा सर, अच्छा सर, थैंक यू। दूर से देखना है, छूना नहीं है। थैंक यू सर, देखेंगे। हट हट बस सीढ़ी के, हट हाथ मत लगाना भाई, हाथ मत लगाना। एक जगह बैठ जाओ, एक सरप्राइज हो जाए। हाँ तो आज आपको एक टास्क दिया गया था। हाँ तो उसमें एक टीम ए थी एक टीम बी, उसमें टीम ए है विनर। और दुख की बात यह है, सुनो सुनो, दुख की बात यह है कि टीम बी को अब एग्जिट होना पड़ेगा। थैंक यू सर, यानी उनका सफर यहीं तक था। ओके एंजॉय और बेटर लक। ओके वेलकम अगेन बिग बॉस, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तो ये पहली बार हुआ है कि दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री आज फाइनल में पहुंची है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। और अब आपका फैसला मैं छोड़ता हूँ, जनता की वोटिंग पर अदा। ओके मिलते हैं कल, तो देखते हैं आप में से कौन होगा विनर और कौन होगा रनर अप। ओके ओके सर।